भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के व्यक्तित्व एवं भिलाई के विकास के प्रति उनकी सोच से प्रभावित होकर सोमवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार एवं उनके समर्थकों द्वारा भिलाई में निर्मित किए गए भयपूर्ण वातावरण, गुंडागर्दी, अवैध शराब, जुआ सट्टा और शहर की बदहाल स्थिति से क्षुब्ध होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। आज दो तरह के नौजवान हमने से ना आईडी नहीं आता। एक वे जो कि कल तक हम लोगों के साथ थे और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से उनको गुमराह करके लालच दे के ले आया गया और वे गुमराह होकर के पड़े रहे। और ऐसा मेरे पास तो उदाहरण है, दो पार्षद गए थे, एक पार्षद तो भिलाई छोड़ दिए। तो उन लोगों को वापसी के लिए बहुत दिन से वो प्रयासरत थे, सबसे चर्चा होने के बाद उनकी वापसी। दूसरे जो कांग्रेस के अब तक के कोर कार्यकर्ता थे, जैसा कि मंजीत सिंह जी ने बताया कि वे स्वयं विधायक जी के कोर कमेटी में थे, अब उनके कार्यों से संतुष्ट न होके और पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जो हवा है तो चारों तरफ लोग जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में तो एनसीपी टूट के चली गई। तो ये जो टूटन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संपूर्ण भारतवर्ष में जो छवि है उसका प्रभाव इस लघु भारत पे भी पड़ना प्रारंभ हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन से ये स्पष्ट संकेत। प्रधानमंत्री जी का छठी का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर के कल हम लोगों ने बैठक की थी, आज भी है जिला कार्यालय में और लगभग हम लोग यहाँ से बसों में, सैकड़ों गाड़ियों में 8 से 10 हज़ार लोगों के यहाँ से भिलाई से जाने की हम लोगों की तैयारी है। विभिन्न स्तर पे उसकी बैठकें भी, प्रत्येक प्रखंड में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठक करके उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं। आम लोगों को भी घर घर जा कर के पेम्पलेट के माध्यम से और उन्हें चावल अच्छत दे करके आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके सभा में जाएं। तो ये कुछ तरीके हैं जिन माध्यम से हम अधिकतम लोगों को वहाँ तक ले जाने। देखिए, दो तीन चीज़ें विगत 4.5 वर्षों में भिलाई में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिस विकास कार्य को ये कहा जा सके कि कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस ने समाप्त किया। विकास कार्य के नाम पे कुछ डोम से और कुछ प्योर ब्लॉक के अलावा एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको कहा जा सके कि इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। ना एक स्कूल खुला, ना एक कॉलेज खुला, बल्कि कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन भूमि पूजन होके पड़ा हुआ है, उस पर एक ईंट नहीं रखी गई। अब सरकार है, सरकार के बाद आप नहीं कर पा रहे हो। जितने भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्टाचार में भिलाई जो है पूरे छत्तीसगढ़ में तो भ्रष्टाचार है, भिलाई उसमें और आगे है। नगर निगम का भ्रष्टाचार आपके ऐसा है कि 120 वाट का बल्ब ऊपर चढ़ता है और जब नीचे उतरता है तो 60 वाट का हो जाता है। अभी वो बनते रहता है और बीच में गिर जाता है और इतने दिन से जांच हो रही है। बड़ा ही कमिश्नर बहुत आईएएस, बड़े इंटेलिजेंट और क्या क्या अपने को बोलते हैं, कहां कहां से कानून निकाल रहे हैं, नियमितीकरण के नाम पे लोगों को जो परेशान कर रहे हैं, वे जो हैं आज 6 महीना से अधिक हो गया जांच चल रही है। एक सब इंजीनियर को दोषी बना के बिठा दिया और जो उसका एई था उसको आप जो है सचिव बना दिए नगर निगम का। तो भ्रष्टाचार इतना है, निगम में पैसा कर्मचारियों को तनख्वाह का नहीं है, पार्षदों को मानदेय का नहीं है,
और निगम की जमीनें बेची जा रही है, बेच करके ये सरकार चल रही है। तो हत्या, लूट, बलात्कार, आप चारों तरफ आज भी शाम को निकल जाओ, जहां भी आपको मैदान है वहां कार और कार के ऊपर जाम मिलेगा। ये सब जान रहे हैं और ये पुलिस वाले भी जान रहे हैं। ये हमारे इधर आजू बाजू में बड़े बड़े अफसर वहाँ रहते हैं, तो उसके बावजूद भी वो लाचार है, बोलते हैं कि हम लोग लाचार हैं। सरकार के यहाँ से आदेश आ जाता है, मुख्यमंत्री डबरा पार उस तरफ है और पूरा डबरा नगर इसको भिलाई को बना दिया है। तो इस कारण से जो लोग उनके साथ भी काम किए वो नाउम्मीद हुए, और जो कुछ उम्मीद पे गए थे वे भी नाउम्मीद हुए। और मैंने कहा ना कि एक तो बेचारा जो पुराना पार्षद था जिसको फुसला के ले गए थे, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको भिलाई छोड़ देना पड़ा।